सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक निकाले जाने वाली पद यात्रा दूसरे दिन भी निकाली गई। रविवार को यह पद यात्रा अजीतमल के इमलिया गांव पहुंची। ग्रामों में उपस्थित लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई। भाजपा जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है, पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गुड़िया कटेरिया, जिला उपाध्यक्ष नालिनी पांडे, महिला मोर्चा मनु राजपूत, जिला महामंत्री, महिला मोर्चा आसाराम राजपूत, मंडल अध्यक्ष शिव कुमार दिवाकर, मंडल महामंत्री बूथ अध्यक्ष इमलिया मनोज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा कमलेश कटेरिया, पूर्व चेयरमैन मदनलाल पोरवाल, वर्तमान चेयरमैन नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल रानी देवी पोरवाल, जिन्होंने ग्राम इमलिया में आंगनबाड़ी केंद्र में बैठक की एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। इस मौके पर ग्रामीणों ने गांव की समस्याओं को अवगत कराया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गुड़िया कटेरिया ने गांव की समस्याओं से अवगत कराया। जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अति शीघ्र समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। जिला अध्यक्ष नालिनी पांडे लोगों से मिलकर रूबरू हुई। एससी बाहुल गांव में, इस गांव में सभी लोगों को आवास, शौचालय, राशन कार्ड, कुछ एक दो लोग हैं जो उनको नहीं मिला, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और उनको दिलवाएंगे। और हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और बीजेपी को फिर से लाएं, कमल खिलाएं, और महिलाओं को इतने नंबर दे रखे हैं जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, 181 और कौन सा 1090, बहुत नंबर दे के महिलाओं को लाभ मिला है, महिलाओं को, और उनके शोषण के खिलाफ हम लोग महिला मोर्चा की आवाज उठाते हैं। मैं महिला मोर्चा से जिला महामंत्री मनु राजपूत हूँ, और आज ये मिलिया गांव में हम लोगों ने आंगनवाड़ी में ये प्रोग्राम रखा है, ताकि हमारे गांव में, यहाँ इस गांव में जितनी भी महिलाएं लाभ से वंचित हैं या लाभ मिल चुका है, तो उन लोगों की हम एंट्री कर रहे हैं। जिसको मिल चुका है उनका भी एंट्री किया, और जिसको नहीं मिला है उनका भी एंट्री किया है। किसी को कॉलोनी अगर नहीं मिली है तो उसकी भी लिख रही हूँ, और मिल गई है तो उसके लिए उन लोगों को बधाई भी दे रही हूँ। आगे ये कह रही हूँ, 2019 में हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसी तरह गांव गांव में विकास होगा, और गांव के साथ साथ हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का, हमारे देश का भी विकास होगा। इसके लिए हम सभी बहनों से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि 2019 में ही हमारे प्रधानमंत्री को बड़े बहुमत से सभी लोग मिलकर के आगे लाए और उन्हें प्रधानमंत्री बनाए। आज आप इस इमलिया गांव में लगभग में सभी महिलाएं गांव की एकत्रित हुई हैं, और इसमें गांव में आपने कुछ लोगों के नाम भी एंट्री किए हैं भाजपा सरकार से, तो क्या लाभ इनको दिलाना चाहती हो आप? अब जैसे सरेंडर है आदरणीय प्रधानमंत्री की योजना से, सभी हमारी जितनी बहनें बैठी हैं सभी को लाभ मिला है। यहाँ पर जो वंचित रह गए हैं उनके हम नाम नंबर नोट कर रहे हैं, शौचालय है, किसी को मिल पाए किसी को नहीं मिले, उनको मैं दिलाने के लिए उनके नाम नंबर सब लिख रहे हैं। और हम अपने बहनों से यही उम्मीद करूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जीत कराएं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जात पात को लेके कभी नहीं चला है, आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ एससी को मिला, आवास है, शौचालय है, जो रह गए हैं उनको भी दिलाने की पूरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और पदयात्रा भी गांव गांव में जा जा के निकाल रहे हैं।